मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई खूब मन से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? बहुत अच्छी बात है, सही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कुछ क्या। आज हम ज़्यादा पढ़ेंगे, आज मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाली हूँ, आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में पढ़ेंगे, जितनी हिंदी वर्णमाला की अक्षरे होती है ना, मात्राएं होते हैं, उन सारी मात्राओं को एग्जाम्पल सहित मैं समझाऊंगी और बताऊंगी आपको। देखिए, सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि स्वर में जिनकी मात्राएं लगती हैं, बताए थे पिछली वीडियो में, वो मैं आपको मात्राएं बताऊंगी। जैसे कि अ की मात्रा से बने हुए शब्द ना, जैसे कि बिना मात्रा के अ होते हैं ना, तो अ की मात्रा से बने हुए शब्द जैसे हम, कम, दम, बम, ठीक है। तो ये सब है बिना मात्रा वाले, यानी कि अ में लगे हुए मात्रा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आ में लगे हुए मात्रा। जैसे आ की मात्रा से बनते हैं ना, तब आ की मात्रा से बने हुए शब्द बताएंगे। तो आ की मात्रा से जैसे कि आपका हो गया चावल, उसके बाद हो गया बादल, फिर और पढ़ सकते हैं आप छाता, फिर और पढ़ सकते हैं गाजर, ठीक है। फिर इस तरह से हो गया एक और पढ़ सकते हैं भगवान, ठीक है, बाजा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे छोटी की मात्रा से। तो छोटी की मात्रा से चलिए इससे भी कुछ शब्द पढ़ लेते हैं। देखिए छोटी की मात्रा ये है ना, आप इससे क्या क्या शब्द बनता है ये मैं बता रही हूँ। देखिए, तो इससे सबसे पहला शब्द है साइकिल, अगला है किसान, फिर आगे है विमान, फिर आगे है किताब, और एक और पढ़ लीजिए तकिया, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया छोटी की मात्रा से। मैं ज़्यादा नहीं बता पा रही, फाइव वर्ड्स बता रही हूँ, पांच शब्द, इसको पढ़िए और आप भी याद कर लीजिए अच्छे से, आपके सारी मात्राएं याद हो जाएंगी। लिखना भी मैं बता ही रही हूँ, देखिए कैसा लिखा गया है। अब हम पढ़ेंगे छोटी की मात्रा हो गई, अब हमारी बारी आती है बड़ी की मात्रा से पढ़ने वाले शब्द की, ठीक है। तो बड़ी की मात्रा में देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ, हाथी, ठीक है। उसके बाद लिखिए जीप, फिर और भी है मछली, फिर उस तरह से हो गया मछली तो हो गया, आगे पढ़ सकते हैं हम जैसे कि दिवाली, ओके। और एक और पढ़ लीजिए आप, जैसे कि क्या पढ़ेंगे, गाड़ी, ओके। तो पांच शब्द ये भी हो गए। तो इस तरह से ये पांच शब्द आप पढ़ लिए बड़ी की मात्रा से। अब बड़ी की मात्रा के बाद क्या आता है बच्चों? बड़ी की मात्रा क्या आता है, सब मैं दोहरा देती हूँ आपको, जैसे कि अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। अभी तक इतना पढ़े, अब हम पढ़ेंगे छोटा ओ की मात्रा। छोटा ओ की मात्रा से बने शब्द जैसे कि सुराही। देखिए छोटा ओ, छोटा से लगता है ना, शो हल्का सा लगता है, इसलिए सुराही। आगे है धनुष, फिर एक और पढ़िए, देखिए कुटिया, ठीक है। इस तरह से हो गया चूहिया, और एक और छोटा सा बता देती हूँ मैं, गुलाब, ओके। तो ये हो गया छोटा ओ। अब हम पढ़ेंगे बड़ा ओ की मात्रा से। तो बड़ा ओ की मात्रा में भी चलिए पांच शब्द हम लोग पढ़ लेते हैं। बड़ा ओ की मात्रा से बताऊं, देखिए सबसे पहला शब्द है सूरज, ठीक है बच्चों। अगला भी पढ़ सकते हैं आलू, फिर देखिए फूल, और हो गया जैसे कि चूहा, और एक लास्ट में बता देती हूँ, जैसे आप कह सकते हैं चूहा तो हो गया ना, अब लिखिए कह सकते हैं जूता, ठीक है। इसमें सारे में क्या होता है, बड़ा ओ की मात्रा लगी है। इससे और भी शब्द बनते हैं, लेकिन पांच शब्द आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, आपको जानने के लिए। नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप सोचेंगे कि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, बहुत बोर हो जाएंगे आप, ठीक है ना, इसलिए मैं इतना ही बता रही हूँ। अब बड़ा ओ की मात्रा के बाद क्या हम आएगा, बड़ा ओ के बाद ए की मात्रा से बने शब्द। तो ए की मात्रा से देखिए, ए है ना, ए की मात्रा से बने पांच शब्द। पांच शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि सेब, पहला हो गया सेब, उसी तरह से आगे आप भी बता सकते हैं, कुछ कमेंट में बता सकते हैं और भी क्या क्या बनते हैं, लेकिन मैं पांच शब्द बता रही हूँ। पहला सेब हो गया, दूसरा शेर, ठीक है। आगे जैसे इस तरह हो गया केला, इस तरह से हो गया रेल, और एक और जान लीजिए पेड़,
ठीक है, तो ये हो गए ए से। अब ए के बाद बारी आती है हमारी आए से। आए से भी पांच शब्द हमें पढ़ना है ना, ए से तो अभी तक हमने पढ़ लिया ए से पांच शब्द। अब हमारी बारी आएगी आए से बने शब्द के लिए। आए से बने शब्द मैं बता दे रही हूँ आपको पांच शब्द, जिसमें पहला हो गया, देखिए पहला है जैसे कि पैसा हो गया। देखिए एक तो हो गया पैसा, अगला इसी तरह से आय की मात्रा से हम पढ़ेंगे थैला। ओके आगे आप पढ़ सकते हैं पैर, ठीक है बच्चों। और आगे पढ़िए, देखिए एक हो गया सैनिक, इसमें भी आय की मात्रा लगी है ना। और लास्ट एक में बता देती हूँ आपको, जैसे कि आप कह सकते हैं भैया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये आय की मात्रा से बने पांच शब्द। अब हम पढ़ते हैं ओ की मात्रा, आय की बात क्या पड़ेगा ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा से चलिए पांच शब्द इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहला है टोपी, तो ओ की मात्रा लगी है ना। आगे हम पढ़ते हैं मोर, उसी तरह से एक और हो गया जैसे कि तोता। अब तीन अक्षर वाला देख लीजिए ओ की मात्रा से, तो हो गया कोयल। और लास्ट में एक और मैं बता दूं तीन अक्षर में, तो ये हो गया टोकरी, ठीक है। तो इस तरह से पांच शब्द ओ की मात्रा से, आप भी पढ़िए बार बार पढ़िए, ओके। अब हम पढ़ेंगे औ की मात्रा, तो चलिए बच्चों ओ के बाद हम आते हैं अब औ की मात्रा से पढ़े शब्द। जैसे कि देखिए पांच शब्द मैं बता रही हूँ, पहला हो गया नौका, नौका नाव को कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया कौवा, कौवा भी होता है ना जिसमें औ की मात्रा लगी होती है। अगला इस तरह से तीन अक्षर वाला देखेंगे, तो एक तरह हो गया औरत, ठीक है। एक हो गया खिलौना, और एक और यदि चाहें तो आप लिखेंगे हथौड़ा। ये सब चीज़ें बहुत लोग को लिखना नहीं आता है, खिलौना नहीं लिखने आता है, हथौड़ा भी नहीं लिखने आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पांच शब्द, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं औ के बाद क्या पड़ेगा हमारा अंक की मात्रा से बने शब्द। तो अंक की मात्रा के लिए भी देखिए बच्चों मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए अंक की मात्रा से पांच शब्द कौन कौन से हम बनेंगे, जैसे कि हो गया पहला एक हो गया पंखा, तो अंक की मात्रा लगी है ना, देखिए कैसे लगी है, अंक ऊपर बिंदी लगती है उसी को अंक की मात्रा कहते हैं। दूसरा हो गया जैसे कि संसार, तो अंग भी पढ़ते हैं ना भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरा ऊपर जो मात्रा लगती है उसको अंग की मात्रा कहते हैं, दूसरा हो गया संसार। और तीसरा अगला हो गया लंगूर, ठीक है। इस तरह से एक और हो गया मंदिर, और लास्ट में एक और पढ़ लेते हैं पंडित। तो ये तो पांच शब्द हो गए। अब हमारा लास्ट हम आ जाते हैं अंग के बाद से बच्चों अह की मात्रा से। तो चलिए फटाफट बिना देर किए हुए हम अह की मात्रा से भी पांच शब्द पढ़ लें। पांच शब्द क्या पढ़ेंगे, अह की मात्रा से तो बहुत कम शब्द होते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपको पांच शब्द बताने के लिए। तो पांच में हो गया जैसे अह में लगे वो दुख, दुख लिखते हैं ना, तो उसमें दु के बाद अह लगती है मात्रा, फिर ख लगती है। उसी तरह से एक लिखते हैं छ, जैसे छः कहते हैं हम ना, उसको लिखते हैं अक्षर छ, यानी कि छ में अह की मात्रा लिखते हैं, ठीक है। और उसी तरह से अगला होता है छ के बाद, जैसे कि प्रायः, प्रायः भी एक लिखते हैं तुम्हें अह लगती है। फिर एक और है प्रातः, ठीक है, इसमें भी अह की मात्रा लगी है। और लास्ट एक होता है जैसे कि पुनः, तब पुनः में भी अह की मात्रा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अह की मात्राएँ लगती हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है, पढ़िए इसको खूब अच्छे से पढ़िए और लर्न करिए, खूब मन लगा कर पढ़िए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन से आप अवगत होते रहें। और पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आप सब बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।